दोनों अपने अपने रास्ते। उस दिन कॉलेज में उसका पहला दिन था। वो असेंबली हॉल की तरफ जाने वाले गलियारे में से होती हुई धीरे धीरे अपनी पहियों वाली कुर्सी को चलाते हुए चली जा रही थी। तभी उसने गलियारे में एक बहुत ही खूबसूरत लड़के को देखा। वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था। दूर से देखने पर ही वो पहियों वाली कुर्सी पर बैठी हुई लड़की उस लड़के की तरफ आकर्षित हो गई। उस लड़के के भूरे बाल थे और उसकी बहुत ही सुंदर मुस्कान थी। जब वो मुस्कुरा रहा था तो उसके दोनों गालों पर गड्ढे पड़ रहे थे। लड़की को उस लड़के से पहली नजर में ही प्यार हो गया। लेकिन तभी वो निराशा में डूब गई। वो सोचने लगी कि उसके जैसी लंगड़ी पहियों वाली कुर्सी पर इधर उधर जाने वाली लड़की से कौन प्यार करेगा। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़कने लगे। उसने अपनी पहियों वाली कुर्सी को पीछे घुमाया और दूर होती चली गई। कुछ देर बाद उस लड़के ने भी अपने दोस्तों के साथ बातचीत समाप्त कर दी। उसने धीरे से पीछे की दीवार के साथ खड़ी की हुई अपनी छड़ी को हाथ से खोजा और फिर अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाकर छड़ी को जमीन पर टिकाते हुए धीरे धीरे गलियारे में दूसरी तरफ जाने लगा। वो लड़का भी अंधा था। बहुत बहुत शुक्रिया।